होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा तहसील के वार्ड नंबर 7 में राम जानकी मंदिर के जीर्णोद्वार के लिए क्षेत्रवासी जागरूक हो चुके हैं। उन्होंने कमर कस ली। वर्षों पुराने राम जानकी मंदिर में अतिक्रमणकारियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसकी वजह से 30 त्योहारों पर महिलाएं विधिवत पूजा अर्चना नहीं कर पाती थी। वासियों का आरोप है कि लोगों ने अपने जानवरों को मंदिर परिसर में ही बांध दिया, जिसकी वजह से गंदगी का आलम बना है, जिसकी सूचना वार्ड नंबर 7 के युवाओं द्वारा शासन प्रशासन को दी गई, जिस पर संज्ञान लेते हुए नायब तहसीलदार नितेश पटेल ने मौके का मुआयना किया और अवैध रूप से मंदिर परिसर क्षेत्र में कब्जा किया हुआ है, उन्हें एक हफ्ते का समय देकर तुरंत खाली करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने क्षेत्रवासियों से भी कहा कि इस मंदिर के जो भी कागजात हैं उन्हें एकत्रित करके अनुविभागीय अधिकारी सिवनी मालवा के सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि मंदिर के जीर्णोद्धार में शासन की ओर से जो भी संभव मदद हो वो की जा सके। सर, ये मंदिर पे यहाँ पे अतिक्रमण हुआ है, तो हम लोग पूरे मोहल्ले के लोग, खेड़ापति माता का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है, इसमें पूजन अर्चन के लिए रोज आते हैं। ये राम जानकी मंदिर है, इसके सारे दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हैं। पूरन लाल जी महंगा के पास पूरा रिकॉर्ड रखा है इसका। हम शासन को हर दस्तावेज की जानकारी अवगत कराएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है, यहाँ पर सर पुजारी माता बैठी हैं, तो उन्होंने पूरा मंदिर में अंदर गंदगी फैला के रखी है। मंदिर में परिक्रमा की कोई जगह नहीं है, सारे लोगों ने अतिक्रमण किया है और हम लोग इस मंदिर का सुधार चाहते हैं। सर, यहाँ सब अतिक्रमण करके रखा है और सब ऐसी गंदगी मचा कर रखी कि हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। बाइयाँ व्रत करती हैं, वो आती हैं यहाँ रात रात भर पूजा पाठ करती हैं, तो यहाँ पर कुछ हो नहीं पाता। यानी इतनी गंदगी है, इतनी परेशानी है और निकल नहीं सकती, परिक्रमा दे नहीं सकते। और देख लीजिए आप यहाँ पे कितनी गंदगी पड़ी हुई है। आपको बता दें, भीलपुरा में राम जानकी मंदिर काफी पुराना है और एकदम खस्ता हाल हालत में है, जिसके बाद क्षेत्रीय युवाओं के द्वारा इस मंदिर के व्यवस्थित जीर्णोद्धार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये एक अच्छी पहल साबित हो सकती है अगर शासन प्रशासन युवाओं और क्षेत्रवासियों की मदद करे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, सिवनी मालवा।